मेरा प्यार मोड़ दे। क्या वकार मुझे छोड़ देंगे? तू भी उनके ऑफिस में क्या कर रही थी? मुझे लगता वकार उससे शादी। अरे वाह, अब क्या ना मर्द वाला काम दिल खुश कर दिया तूने। अब देखती हूँ कि रिश्ता कैसे नहीं टूटता। सिने देखा तूने? नहीं, लेकिन जब मैं वहां से निकल रहा था फिरसा जाग गई थी। पता नहीं शायद उसको कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया मेरी तरफ। अरे मैं तो डरी गई थी। अच्छा वो उसने तुझे देखा नहीं। फरमान 50 लाख का चेक है, अब इस हक में पे हमारा हक है। हमारी तरफ से अब विरसा वहां जाए या ना जाए। ऐसा ना सोचना भी नहीं था। मेरी जिद है विरसा, चेक ना यहीं फाड़ के फेंक दूँ अगर आईने से सोचा। अरे दे तो सही मुझे। हेलो हेलो वकार, मैं विरसा, माफ कीजिएगा, मैं दरअसल बहुत डर गई थी। डर गई थी? किससे डर गई थी? और ये तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो मैं चुप कर फोन कर रही हूँ उसके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज आप डांट लिए तुम्हें, मैं पहले ही बहुत डरी थी, आप फौरन डांटना शुरू कर देते हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं डांट रहा। चलो ये बताओ क्या बात है, किसने डराया तुम्हें? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा वकार। आप जुबिया से शादी तो नहीं करेंगी ना? तुमने इस वक्त ये पूछने के लिए मुझे फोन किया? जी यही पूछना था। और इसलिए डर गई थी ना? जी। फिर सा तुम क्या चीज, कैसी हरकतें करती? रात के इस वक्त तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं जुबी से शादी तो नहीं कर लूंगा? कितने दिन बाद आपकी हंसी की आवाज सुनी, बहुत अच्छा लग रहा है वकार। अच्छा चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बेवकूफ लड़की। मोहब्बत तो नाम ही बेवकूफी का है वकार, सोच समझ के भला कौन मोहब्बत करता है। अजीब लड़की है, आम लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ।
पता नहीं इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है। इसका सच है क्या? क्या मैं कभी जान पाऊंगा? विरसा कहाँ है भाई? सो रही है। क्यों, इतनी देर तक तो नहीं सोती है वो? हाँ, शायद रात देर तक उसे नींद नहीं आई होगी ना। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, तबीयत तो ठीक लगी मुझे, गई थी मैं उसके कमरे में। उठे तो मेरी बात करवा देना, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये विरसा को क्या हुआ है? इतनी खुश? ये अल्लाह, ये क्या करिश्मा हो गया? हेलो ईमान। हाय, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक। मामा कहाँ है? हाँ, मामा नमाज पढ़ रही थी, आ रही होंगी। ये ले, आ गई मामा। आप दोनों यहाँ एक साथ कहीं से आ रहे हैं? नहीं भाभी जान, आपसे मिलने आए हैं। बात आगे बढ़ी? बात आगे कैसे बढ़नी है, वहां पे भी वो पत्थर बन के बैठे हैं और यहाँ तो वकार ने आपको नहीं बताया विरसा आई थी मिलने वकार से? हम तो समझे बात आगे बढ़ चुकी। असल में मुमानी जान, जिस वक्त विरसा आई थी मैं इत्तेफाक से वकार के ऑफिस में ही मौजूद थी। मैं तो तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ कि विरसा वकार से मिली है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और अगर तुम वहां पे थी तो तुम्हें यह भी पता होगा कि विरसा ने वकार से क्या कहा है और वकार का जवाब क्या था, बताओ मुझे। नहीं, असल में वकारों से वहां से लेकर कहीं चला गया था, मुझसे तो झूठे मुंह पूछा तक नहीं। भाभी जान, आपको नहीं लगता इस लड़की के पांव कुछ ज्यादा ही घर से बाहर निकले हुए हैं? सोचिए जरा, रुखसती से पहले इस लड़की का यह हाल है तो रुखसत होकर इस घर में आ गई तो क्या करेगी? अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी तेज है आजकल की लड़कियां। हम तो समझ रहे थे कि वकार बेटे ने आपको बता दिया होगा, आपके मुंह से मैं कोई आज खुशखबरी सुनूंगी। कसम से मेरे तो कान तरस गए कोई खुशखबरी सुनने को। मुमानी जान, क्या हुआ? आप काफी वीक लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं। एक माँ के इकलौते बेटे की जिंदगी जानू बनी हो, ऐसे खुश रह सकती है? भाईजान क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहना है? वो ये रिश्ता खत्म करने को तैयार है। लेकिन भाभी जान, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आविरसा को जानती नहीं कितनी तेज लड़की है, इतनी आसानी से वकार को अपने चुंगल से निकलने नहीं देगी। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अब मैं भी चलती हूँ साथ। आप मुझे ये बताइए, वकार का क्या इरादा है? कुछ कहा उसने आपसे? वो तो कुछ भी नहीं बताता, बस अंधेरे अंदर खुले जा रहा है। इतना प्यारा है मेरा बच्चा, लाखों में एक है वकार। ऐसे नाकदरे लोगों ने मेरे बच्चे की जरा कदर नहीं की। रुको वकार। बेटा, मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अपनी मां के साथ ऐसे तो मत करो। कैसा? मैं कुछ समझा नहीं। यही
मुझे बाहर वालों से तुम्हारे बारे में बातें पता चलेंगी। इस बारे में कह रही है, मुझे तो अब भी समझ नहीं आई। विरसा तुमसे तुम्हारे ऑफिस में मिलने आई थी। ओ, तो आपको पता चली गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको ये बात किससे पता चली, जोबिया ने बताया ना? हाँ, मुसरत और जोबिया आए थे, बल्कि जोबिया तो इधर ही है, मुसरत चली गई है। मैं जानता हूँ मामा, सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, आप भी मेरे लिए बहुत परेशान। सिर्फ इसलिए आपको नहीं बताया। लेकिन ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है ना मामा? विरसा मेरी बीवी है, क्या वो मुझसे ऑफिस में मिलने नहीं आ सकती? लेकिन आप इत्मीनान रखें, विरसा जब भी इस घर में आएगी उसे आप मेरे साथ जाकर ही लाएंगे। मम्मा क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ, मैंने जुबिया से रिश्ते से इनकार करके गलती तो नहीं कर दी? उसका के साथ शादी करके मेरे बच्चे को बहुत भारी पड़ी है। ऐसा मत सोचे मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। और विरसा भाभी के लिए ना अपने दिल में कोई बदगुमानी ना पैदा करें। हर लड़की का दिल चाहता है कि वो अपने शौहर से मिले, बातें करें। हो सकता है कि विरसा भाभी भी अपने दिल के हाथों मजबूर होके आ गई हो यहाँ वकार भाई से मिलने। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम कभी जुबिया के तराने गाती हो और आज विरसा के राग बजा रही हो, तुम आखिर किसकी साइड में हो? मैं अपने भाई की साइड पे, और मेरा भाई जिसको मेरी भाभी बनाकर लेके आएगा मैं उसे दिल से कबूल करूंगी। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ जुबिया कहाँ है? वो मुसरत के साथ तो वापस गई नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं? वो तो अपने वकार भाई के रूम में गई है, उसके कपड़ों पे चाय गिर गई थी ना। तुमने उसे वहां क्यों जाने दिया? मम्मा मैंने उसे वहां जाने नहीं दिया, वो खुद कह रही थी कि तुम्हारे वॉशरूम में मेरा दम घुटता है। अभी वकार अपने रूम में गया है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसे वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। अहमद कहीं गई? वो खुद चली गई थी, मैं उसको रोक नहीं पाई। तुम्हें अपने फोन पे चैटिंग करने से फुर्सत हो तो परवाह करो ना। अब जाओ वकार को अपने कमरे से बाहर लेके आओ, जाओ। जी तुम कब आए? तुम्हारे आने का वक्त तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। अलबत्ता तुम मेरे कमरे में, मेरे वॉशरूम में क्या कर रही हो? अब क्या खड़ी हूँ यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे। प्लीज मुझसे ये फजूल बातें मत करो, अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज। अच्छा तो फिर वो वक्त बता दो जब तुम्हारा मूड ठीक हो, प्लीज। जो भी तुम जा रही हो कि? अरे पापा जा रही हूँ, क्या हो गया? तो जाओ। मैं कहा भी था ना यहाँ मत जाओ, हमेशा तुम मेरे कमरे में जाती थी, आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। पता नहीं वकार भाई साहब मुझे कितनी डांट पड़ेगी। चलो अब मेरे कमरे चलो। अरे यार कुछ नहीं होता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वैसे भी वकार को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मेरा इस तरह उसका वॉशरूम यूज करना, तो तुम क्यों कॉन्शियस हो रही हो? चल मरवाओगी तुम मुझे। अरे यार
तुम चाय ले आई? मेरा दिल कर रहा था हम बाहर जाके आइसक्रीम खाते और वहीं चाय पी लेते। क्यों वकार? नहीं, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, लाओ मुझे मेरी चाय। अब वकार, इतने दिनों बाद हम तीनों इस तरह मिलके बैठे हैं, तो पहले की तरह क्यों नहीं जा सकते? हाँ ना भाई, जूबिया ठीक कह रही है, चले ना चलते हैं। मैंने कह दिया ना एक बार नहीं तो नहीं, मेरा दिमाग मत खावा। भाई जब आपको उसके बगैर खुश रहना ही नहीं है, आप मोहब्बत करते हैं विरसा भाभी से, तो उन्हें ले क्यों नहीं आते? झगड़ा तो बड़ों के दरमियान है ना, आप दोनों क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं? आप जाएं विरसा भाभी को ले आएं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आप लोग ना अपनी फजूल बातें जारी रखें, मैं जा रही हूं। जाओ, जाके मनाओ अपनी दोस्त को, नाराज होगी तुम्हारी इस बात पर। भाई कहीं आप सूबिया की वजह से तो विरसा भाभी को नहीं ला रहे? इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मत करो ऐसी बात। मुझे मालूम है मुझे उसे यहां कब लाना है। जूबी, अब इस बात पर कि वकार भाई विरसा भाभी को घर ले आए, तुम्हारी नाराजगी का क्या तुक बनता है? तुम ना ऐमन कभी बहुत ही बेवकूफी की बातें करती हो। जब उसे लाना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों मजबूर कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की बातें करने की? लावजा विरसा की सगी बन रही हो। मैं जितनी भी बेवकूफ सही, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे भाई के दिल में क्या चल रहा है। मोहब्बत करते हैं वो विरसा भाभी से, तभी तो हर वक्त उखड़े उखड़े और परेशान रहते हैं। अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। कसम से अगर मेरे बस में होता ना, अभी मैं जाकर विरसा भाभी को घर ले आती। सीधी तरह बोलो ना, मेरी असल दुश्मन तुम हो, जो औरों से पहले तुमसे निमटना होगा। सुबी, ये क्या बकवास की अब तुमने? कुछ नहीं, छोड़ो बकवास पे कान नहीं धरते, आओ कोई और बात करते हैं। आ जाओ। शुक्रिया भाई, करा लो। अम्मा इधर बैठ जाओ आराम से, मैं पहले पर्ची ले लो। निकला है पैसे? पैसे नहीं है, पर्ची है, वो नंबर आएगा ना फिर जाऊंगा। एक मिनट। चेक कैश कर लो। कैश का चेक है? ये तुम्हें तो नहीं मिल सकता, विरसा को साथ लाए हो। विरसा कौन है तुम्हारी? भाई क्या हो गया यार, इतने सवाल कर रहे हो, सीधा सीधा चेक कैश कर दो ना। अच्छा रुको, मैं मैनेजर साहब से पूछ कर आता हूँ, वो कहेंगे तो कैश हो जाएगा। चेक एक लड़का और उनकी वालदा लाए, किसी विरसा के नाम का चेक है, लेकिन ये है कैश का। तुम ऐसा करो कि उन्हें बाहर वेट करो। बैंक वाला कह रहा है कि चेक कैश का है और विरसा के नाम का है, मैनेजर से पूछने गया मैं। अरे तो तुमने क्या कहा? ए भाई मैंने क्या कहना था, खुद ही कह रहा था मैनेजर से पूछता हूँ, अगर मैनेजर ने हाँ बोल दी तो पैसे मिल जाएंगे, पूछने गया। ये अजीब मुसीबत है, अब चलो देखते हैं मैनेजर क्या कहते हैं। चेक कैश कराने कोई लड़की आई है क्या? नहीं सर, एक लड़का है और उसके साथ एक उम्र रसीदा खातून है। तुम उनके नाम पूछकर मुझे बताओ। ओके सर। आओ मैं। वालेकुम सलाम। आप दोनों विरसा के कौन है? बेटियां हमारी। वो हमारी मतलब आपकी? आप दोनों को अपने शनाख्ती कार्ड से दिखाने होंगे, क्योंकि ये रूल्स है। आप ऐसा करें कि अपने शनाख्ती कार्ड्स की मुझे कॉपीज दे दें। मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, मुझे पता ही नहीं था। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम है जी शमीम इकबाल। और आप शनाख्ती कार्ड दे दीजिए। ठीक है,
अब आप ऐसा करें कि वेटिंग एरिया में बैठे, मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या बताता हूँ, अब भी कैश नहीं होगा भाई, क्या चेक? मैंने कहा ना, अभी कुछ देर में आपको बताता हूँ। चल चलना। जी आरिफ साहब, खातून के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। लड़के का नाम फरमान है और खातून का नाम शमीम। उनसे कहो कि ये चेक सिर्फ वही लड़की ही कैश करा सकती है, विरसा जिसके नाम का ये चेक है। जी बेहतर सर। रुखसती हुई नहीं और हक मेहर की रकम पहले ही कैश करवाने आ गए। मुझे तो लगता है कि सिर्फ हक मेहर की रकम के लिए शादी का ये ड्रामा रचाया गया। नीच घटिया लोग। मैं माजरा चाहता हूं, ये कैश आपको नहीं मिल सकता है। ये जिनका चेक है उनका कहना यह है कि ये विरसा नामी को कैश मिल सकता है। अब ये क्या मुसीबत हो गई? चलो कार्य कहां चले, पैसा तो मिला। क्या करेंगे अम्मा, इतनी मुश्किल से चेक चोरी किया था मैंने, क्या मिला? अरे तू क्यों परेशान होते खाम खामे? बात सुन, पैसे नहीं भी मिले तो क्या हुआ, हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना, तुम देखना। अरे क्या देखूं मैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ जब उसके बाप को पता चलेगा और वकार को पता चलेगा ना कि बिना रुखसती जो चेक था वो कैश करवाने की कोशिश की गई है, तो तुम देखना कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। अरे विरसा को तलाक खुद ब खुद हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। हाँ मान गया, तुम बहुत चलाक हो वैसे, हैं? बहुत चलाक। ए, मैंने आधी दुनिया देख रखी है, तुझे पागल समझता है क्या? देखना अब हमारा हर मकसद जो है ना पूरा होगा, हम कामयाब होंगे। मैं इस चेक का क्या करूँ मैं? ये करना क्या, जहाँ से लाया था चुप करके वहीं पे रख दे। बैठो। मेरे तो सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। इतना कुछ बर्दाश्त करती रही मेरी बच्ची। वो मेरा शौहर था, उससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी और मरने के बाद भी मुझे उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं। हमजा ने तैमूर को देख लिया हो जब वो मुझे ब्रेसलेट पहना रहा था। थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते। मुझे मनाते मनाते तुम थक गए हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पे आ गई। ओके बात क्यों नहीं बात। मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन अब अभी भी मेरे कमरे में मुझे ऐसे लगता है। देखता हूँ देखता हूँ। अरे कुछ नहीं होता ना, तुम लोग पीछे रहो। अम्मी 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 अबू को मत जाने दे प्लीज अबू।
खैर इस घर में एक एक करके अजाब उतर रहे हैं जो इस चोर की कमी रह गई थी। अबू आप अंदर मत जाइएगा, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं मंसूर, मेरी बात सुनो, तुम समझदार हो, मेरी बात समझोगे। देखो मंसूर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अरे पुलिस को मत इतला देना, खुदा के वास्ते पहले इस घर में क्या कम मुसीबतें नाजिल हुई है। देखो पहले ही ये बातें हो रही हैं इस बात के खिलाफ जो इसकी रुख्सती नहीं हो सकी। विरसा के ससुराल वालों को तो चोर वाली बात का पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। भाभी ठीक कह रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वैसे मंसूर अल्लाह जानता है, मुझे तो ये लगता है कि कोई चोर वोर है ही नहीं। आप कैसे कह सकती हैं? मैं ऐसे कह सकती हूँ, सारी रात में जागती रहती हूँ, ऊपर छत पर टहल रही थी और वजीफा कर रही थी। तुम तो जानते हो कि ऊपर से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, मुझे चोर तो क्या किसी का साया तक नहीं आता हुआ दिखाई दिया। ये मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं, मेरी बच्ची ने कितनी परेशानियां देखी, कितनी बुरी हालात में यहाँ पे आई है। अरे फातिमा मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ख्वाब वाब में डर गई है, कोई चोर वोर नहीं है, यकीन करो मेरी बात पे। अरे फातिमा तुम बच्ची को कमरे में लेके जाओ और आओ मेरे साथ, तुम लोगों को मैं पानी वानी पिलाती हूँ। चलो 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 भैया चलो चलो। या अल्लाह तेरा शुक्र, कैसे आ सकता है भी चोर? फातिमा हौसला करो, ये पानी पियो, विरसा को बल्कि पियो, लो बच्चा पानी पियो। अम्मा अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, इतने शोर की आवाज आ रही थी। हाय माँ सदके जाए, देखा कुछ नहीं हुआ बेटा। चाचू सब खैरियत तो है? अरे हाँ हाँ मैं बोल तो रही हूँ कि विरसा नींद में डर गई थी और कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। विरसा क्या हुआ, सब ठीक तो? अरे क्यों सवाल पूछ पूछ के बच्ची को परेशान कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। क्यों बेटा ठीक हो ना तुम? भाई अपनी बच्ची के लिए ना खास तौर पे सूरत पढ़ के ना पानी दम करके दूंगी, कभी नहीं डरेगी ये। विरसा बेटा तुमने अपनी अलमारी चेक कर ली ना, सब चीजें मौजूद है ना उसमें? जी ताई अम्मी सब मौजूद है। शुक्र है अल्लाह, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुम्हें वहम है और मैं तो जाग ही रही थी। नहीं था यमी, मेरा वहम नहीं था। आप भाभी मेरे ख्याल है बहुत रात हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। और फरमान? जी चाचू। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी नींद भी खराब की है, तुम भी आराम करो बेटा जाओ। मैं आज विरसा के कमरे में ही सो जाती हूँ, आज रात में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। हाँ ठीक है अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम करें। बेटा पक्की बात है ना? देखो अगर तुम्हें जरा सा भी डर लगे या कोई दिल में खौफ आए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं यहीं इसी कमरे में ही हूँ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विरसा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी ऊपर जाते हुए गेट वगैरह सब चेक कर लूँ, और डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। देखा मेरा बच्चा हर वक्त ख्याल रखता है विरसा का। चलो भाई अब बहुत देर हो गई, अब तुम लोग भी सो जाओ, शब्बा खैर। हाँ विरसा बेटा, तुम भी अपना दरवाज़ा ना अंदर से अच्छी तरह बंद करके सोना, ठीक है मेरी बेटी? ख्याल रखो। चलो फरमान। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। नहीं नहीं बुला लेना, फिर आ जाएंगे। शब्बा खैर। आ जाओ, शब्बा खैर। बेटा अपनी माँ को सोने दो ना अपने साथ। हाँ मैं तो कह रही थी। आप आराम करें। ओके वो मैं तो नींद ही उड़ गई है भाई। अरे उल्लू के चरखे, मैंने अपनी जान पे खेल के तुझे वहां से निकाला और तू उल्टे पांव वहीं पे आके फिर खड़ा हो गया। अगर वो तुझे पहचान लेती तो तेरे मुंह पे चोर होने की कालक मली जाती और मैं चोर की माँ कहलाती। अब ये मिट्टी का माधु बन के खड़ा क्यों है? ऊट मुंह से कुछ बोल। बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा, जैसे लगता है कि विरसा को पता चल गया उसके कमरे में घुसने वाला चोर और कोई नहीं मैं था। अरे ये क्या कह रहे है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अम्मा वो जिस तरह मुझे देख रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि चोर मैं ही हूं। ये अच्छा नहीं हुआ फरमान, मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। माँ नहीं माँ घबराओ मत ना, मेरी बात सुनो। देखो ऐसे कोई चोरी हुई नहीं है ना, अगर अव्वल किसी को पता चलेगा नहीं, अगर चल भी गया तो तुम साफ इनकार कर देना। मेरे साथ कहां साबित करती भी रहेगी, तुम बस ना खुद को मजबूत रख। और वो जो बैंक वालों ने वकार के बाप को फोन किया था, कहीं उन्होंने वकार को फोन तो नहीं कर दिया होगा? हाँ बैंक वालों ने वकार को फोन नहीं किया था, वकार के बाप को फोन किया था। और वैसे भी एक ही बात है ना, वकार को फोन करें या वकार के बाप को, मंसूर चाचू को क्या पता नहीं चलेगा उनकी बेटी के हक मेहर का चेक कैश कराने बैंक कौन गया था। तो चलेंगे तो पता, मेरे पास इस मसले का भी हल है। हा? क्या हल है भाई? हम कह देंगे कि हम नहीं गए, साफ मुकर जाएंगे। कुर्बान जाऊंगा तुम्हारी अकेले। बैंक में ना कैमरे लगे हुए होते हैं, सब पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा ना, तो खुद भी परेशान हो रहा है और मुझे भी हौलाए जा रहा है। बात को समझ, नाजुक रिश्तों में ना कोई तफ्तीश नहीं करता, बस खानदान और रवैयों को देखा जाता है। और वकार के बाप को अब तक पता चल चुका होगा कि हम बड़े लालची लोग हैं, लिहाजा वो खुद ये रिश्ता छोड़ देगा। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। चल बस अब तो खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, इससे पहले कि तेरे अब्बा उठ जाए और उनको सब कुछ बताना पड़े। मैं सो रहा हूँ, तुम जाओ। चल शाबाश। वकार गर्मी हो रही बहुत, जूस वगैरह को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। इसे भी तुम्हें इस वक्त हेल्दी डाइट की जरूरत है। थैंक यू। तुमने बनाया? हाँ क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है, जान सकता हूँ ये मेहरबानी क्यों?
शुक्र है मेरी मेहनत वसूल तो हुई। रही बात मेहरबानी की, तो मेहरबानी से ज्यादा मोहब्बत की बात है। अब उस दिन विरसा से क्या बात हुई थी तुम्हारी? कुछ खास नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे एक बात कहूं, पॉलिटिक्स खेलने का ये बहुत ही पुराना अंदाज है। मैं समझा नहीं। यही के एक जख्म लगाए और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाए, और खानदानों में ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सियासत बहुत होशियारी से खेली जाती है। अब यही देख लो कि माँ बाप एक तरफ से खुद रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेटी को भेज देते हैं ताकि उनकी नीयत खुल के सामने ना आए और वो तुम्हारे सामने अच्छी बनी रहे। और देख लेना, वक्त आने पर यही माँ बाप अपनी बेटी की ढाल के पीछे ऐसे छुप जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं। क्या हम कोई और बात कर सकते? अब आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अब कुछ फ्रूट्स ले आऊं? नहीं। वकार, पापा से मैंने 50 लाख वाली बात कर ली है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई भी बात रद्द नहीं करते, इसलिए मेरे खातिर 50 लाख देना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। खानदानों में ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सियासत बहुत होशियारी से खेली जाती है। और देख लेना, वक्त आने पर यही माँ बाप अपनी बेटी की ढाल के पीछे ऐसे छुप जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये सवाल मत करो मुझसे, वरना मैं सच बोलूंगा तो तुमसे सुना नहीं जाएगा और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। आपसे एक बात कहनी थी वकार। कहो, सुन रहा हूँ। दरअसल ना मेरे अम्मी अब बहुत परेशान है, खासतौर पे अम्मी। वो तो मेरे बारे में सोच सोच के बस हर वक्त। तुम्हें कभी मेरे अम्मी अब्बू का ख्याल आता है या नहीं? उनसे भी तो एक रिश्ता बन चुका है तुम्हारा, उनके लिए तो मैंने कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। परेशान तो दूर, तुमने तो कभी मुझसे उनका हाल अहवाल ही नहीं पूछा। वकार, आप मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं? ऐसे तो हमारे दरमियान आई भी गलत फहमियां कभी दूर नहीं हो पाएंगी। हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है विरसा साहिबा। मेरे और मेरे घर वालों को शादी से पहले ये अंदाजा ही नहीं था कि हम कहां फंसने वाले हैं। फंस चुके हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन तुम्हें हमारी तकलीफ थोड़ी नजर आती, मैं नजर नहीं आता, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तड़पता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, तुमसे हमदर्दियां करता रहूं, तुम पे तरस खाता रहूं। कोई और बात करनी है तुमने या मैं फोन रख दूं? तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मेरा प्यार मोड़ दे।